क्या तबलीगी जमात के मेंबर्स हमारे देश में कोरोना वायरस फैलाने के लिए ज़िम्मेदार थे? क्या एक वाइफ अपने हस्बैंड के रिलेटिव के घर पे राइट टू रेसिडेंस क्लेम कर सकती है? और क्या एक फॉरेन नेशनल हमारे देश के सिटीजन से मैरिज करके शादी करके हमारे देश की सिटीजनशिप प्राप्त कर सकता है? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हुए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने इस वीक बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण जजमेंट्स पास किए। सो आइए इन सभी को डिस्कस करते हैं आपके साथ आपके स्टडी टेबल पे। वाइफ एंटाइटल्ड टू क्लेम राइट ऑफ रेसिडेंस विच बिलोंग टू रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑल्सो, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्स इट्स 2006 जजमेंट। इस प्रेजेंट केस को समझने के लिए हमें सेक्शन 2S ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट समझना होगा, जो हमें शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन बताता है। 2006 में सुनील बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा के केस में इस डेफिनेशन को बदल दिया गया और ये हेल्ड किया गया कि ऐसा घर, ऐसा हाउस जो हस्बैंड ने ऑक्यूपाई किया हो या रेंट पे लिया हो, या ऐसा घर जो जॉइंट फैमिली का हो और हस्बैंड उस जॉइंट फैमिली का मेंबर हो, सिर्फ इन्हीं हाउस को शेयर्ड हाउस होल्ड माना जाता है और इन्हीं हाउसेस के ऊपर वाइफ अपना राइट टू रेसिडेंस इस्तेमाल कर सकती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निवास का अधिकार। पर इस प्रेजेंट केस में 2006 की रूलिंग को ओवर रूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ऐसा घर जो हस्बैंड के रिलेटिव का हो और ऐसे घर में हस्बैंड और वाइफ दोनों ने अपना डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिताया हो, सो ऐसे घर, ऐसे हाउसेस भी शेयर्ड हाउसहोल्ड की डेफिनेशन में आते हैं। और इस केस के बाद वाइफ अब अपने हस्बैंड के रिलेटिव के घर पर भी राइट टू रेसिडेंस, निवास का अधिकार क्लेम कर सकती है। नाइन वुमेन लॉयर्स मूव सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग एमपी हाई कोर्ट्स बेल कंडीशन आस्किंग मैन अक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट टू गेट राखी टाइड बाय विक्टिम। इस केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक सेक्सुअल असॉल्ट के ऑफेंडर को बेल देते हुए ये कंडीशन लगाई। हाई कोर्ट ने ये कहा कि अक्यूज्ड विक्टिम की के घर को विजिट करे रक्षाबंधन के फेस्टिवल पे और विक्टिम से राखी बंधवाए और ये प्लेज ले कि वो अपनी लाइफ में एज अ ब्रदर विक्टिम को प्रोटेक्ट करेंगे और एक 11,000 का अमाउंट भी विक्टिम को दें, जो यूजली रक्षाबंधन के फेस्टिवल पे एक ब्रदर अपनी सिस्टर को देता है। इसी के अगेंस्ट एक नाइन वुमेन लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट गई और ये प्ली ली कि ऐसे जो कंडीशंस होती हैं वो अक्यूज को एक अपॉर्चुनिटी देती हैं कि वो विक्टिम के साथ एक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश कर सकें और साथ ही साथ विक्टिम और विक्टिम की फैमिली को थ्रेट्स दे सके, इंटिमिडेशन दे सके, धमकियां दे सके, जिससे विक्टिम और विक्टिम की फैमिली का हॉस्टाइल होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी प्ली ली कि हाई कोर्ट सेक्सुअल असॉल्ट जैसे ऑफेंसेस की गंभीरता को, सेंसिटिविटी को नहीं समझ रहे हैं और उन्होंने फाइनली ये प्ली ली कि ऐसी कंडीशंस कुछ नहीं पर विक्टिमाइजेशन को बढ़ावा देती हैं। दे डिडेंट एक्ट नेग्लिजेंटली टू स्प्रेड कोविड, डिडेंट डिसोबे ऑर्डर्स ऑफ अथॉरिटी, मुंबई कोर्ट डिस्चार्ज 12 फॉरेन नेशनल्स। जैसे कि आप सबको पता है कि जब हमारे देश में कोरोना वायरस फैल रहा था तो ये एलिगेशन लगाया गया था तबलीगी जमात मेंबर्स के ऊपर कि उन्होंने एक नेग्लिजेंटली वे में अपनी जमात को कंडक्ट करके हमारे देश में COVID-19 को और फैलाया। पर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट मुंबई ने इस केस की सुनवाई करते हुए एविडेंस पे ये पाया कि इन मेंबर्स ने ना तो नेग्लिजेंटली वे में एक्ट किया और ना तो इन्होंने सेक्शन 14 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन किया। सेक्शन 14 बेसिकली हमें बताता है कि अगर कोई फॉरेन नेशनल को हमारे देश का वीज़ा दे दिया गया है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो अगर उस टाइम पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर या रूल बनाया गया तो उन्हें इस ऑर्डर या रूल का उल्लंघन नहीं करना है। सो मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस केस में एविडेंस के द्वारा ये प्राप्त किया कि जब उस टाइम लॉकडाउन के ऑर्डर्स लगाए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो तबलीगी जमात के मेंबर्स ने इन ऑर्डर्स का वॉयलेशन, उल्लंघन नहीं किया था। और ये कहते हुए मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने 12 इंडोनेशियन नेशनल को इस केस में डिस्चार्ज कर दिया। और रिसेंटली तबलीगी जमात के मेंबर्स रिलेटेड एक केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो फेक चार्जेस, फेक एलिगेशंस तबलीगी जमात के मेंबर्स के ऊपर लगाए गए थे, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ हमारी मीडिया का था। मैंने पर्सनली कई लोगों को देखा कि वो तबलीगी जमात के मेंबर्स मुस्लिम के अगेंस्ट बहुत सारे ऑफेंसिव पोस्ट डाल रहे थे सिर्फ मीडिया की रिपोर्टिंग के आधार पे। तो मेरा कहना तो इस केस में यही है कि आप मीडिया या न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के आधार पे अपना ओपिनियन ना बनाएं, अपनी एक पर्सनल स्टडी करें,
केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड को जानें और फिर अपना ओपिनियन बनाएं। प्ली सीकिंग इक्वल प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसजेंडर्स अगेंस्ट सेक्सुअल क्राइम्स। क्या हमारे इंडियन पीनल कोड में जितने प्रोविजंस मेल एंड फीमेल के प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं, क्या उतने प्रोविजंस ट्रांसजेंडर के लिए भी दिए गए हैं? इसी सब्जेक्ट के ऊपर, इसी क्वेश्चन के ऊपर एक प्ली लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया कि इंडियन पीनल कोड में ऐसा कोई भी प्रोविजन या सेक्शन नहीं है जो ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उससे डील करता हो या उसको पनिश करता हो। और ये भी प्ली ले गई कि सेक्शन 354D जो सेक्सुअल हरेसमेंट को डिफाइन करता है और उसकी पनिशमेंट देता है, उसका क्लॉज फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ट्रांसजेंडर को कम्प्लीटली एक्सक्लूड करता है। और फाइनली ये मांग की गई कि ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उनसे रिलेटेड एक स्पेसिफिक सेक्शन IPC में इंसर्ट कर दिया जाए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ली थी जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े जी ने ये कहा कि एक बहुत ही अच्छी प्ली सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाई गई है। ऑल UAPA ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेटेड बाय NIA और स्टेट पुलिस आर एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट। इस प्रेजेंट केस में एक बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट था कि अगर कोई भी ऑफेंस अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर कमिट किया जाता है तो ऐसे केस को ट्राई करना, ऐसे केस को सुनवाई करने की पावर मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास होती है या स्पेशल कोर्ट के पास होती है। और इस केस में ये भी डिस्प्यूट था कि ऐसे केसेस में अक्यूज्ड को रिमांड देने की पावर, रिमांड को एक्सटेंड करने की पावर मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास होती है या स्पेशल कोर्ट के पास होती है। सो सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ऐसे ऑफेंसेस भले ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट किए हों या स्टेट पुलिस ने किए हों, पर ऐसे केसेस को सुनने का अधिकार सिर्फ स्पेशल कोर्ट के पास होता है। और रही बात रिमांड को एक्सटेंड करने की पावर, तो सेक्शन 43 ऑफ दिस एक्ट हमें बताता है कि रिमांड को एक्सटेंड करने की पावर स्पेशल कोर्ट के पास होती है और ऐसी पावर यूज़ करके स्पेशल कोर्ट्स रिमांड को 180 डेज तक एक्सटेंड कर सकता है। फॉरेन नेशनल डजंट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंडियन सिटीजन ऑन मैरिज। वोटर ID, आधार, पैन एक्सेट्रा नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। इस केस में किरण गुप्ता जो एप्लीकेंट थी वो एक नेपाल की सिटीजन थी। उन्होंने अपनी नेपाल सिटीजनशिप को वॉलेंटियरली छोड़ के इंडिया शिफ्ट हो गई और 2003 में उन्होंने इंडियन सिटीजन से मैरिज कर ली। पर 2018 में जब वो एक ग्राम पंचायत की मुखिया इलेक्ट हुई, इलेक्शन कमीशन ने ऐसे इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया ये कहते हुए कि किरण गुप्ता इंडियन सिटीजनशिप नहीं रखते। इसी के अगेंस्ट किरण गुप्ता ने पटना हाईकोर्ट में अपील लगाई और पटना हाईकोर्ट ने इस प्रेजेंट केस में ये हेल्ड किया कि भले ही किसी पर्सन ने कोई फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप वॉलेंटरली छोड़ दी हो और या उसने एक इंडियन सिटीजन से मैरिज कर ली हो और या तो वो कोई भी ऐसी आइडेंटिटी पोजेस करती हो, सिर्फ इसी आधार पे उनको सिटीजनशिप नहीं दे दी जा सकती, बल्कि उन्हें सिटीजनशिप एक्ट 1955 के दिए गए प्रोसीजर, दिए गए मेथड के द्वारा ही सिटीजनशिप प्राप्त करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज एस्पिरेंट हु वॉज लेटर एक्विटेड इन क्रिमिनल केस अंडर सेक्शन 498A IPC। सो क्या एक ऐसा पर्सन जिन्होंने सिविल जज का एग्जाम क्लियर कर चुका हो और उनके अगेंस्ट एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो और कुछ समय बाद उनको सेम केस में एक्विटल दे दिया गया हो, तो एक क्या ऐसा पर्सन सिविल जज की पोस्ट को एक्वायर कर सकता है, क्या ऐसा पर्सन सिविल जज की पोस्ट को पा सकता है? यस, इस प्रेजेंट केस के एप्लीकेंट अनिल भारद्वाज ने मध्य प्रदेश सिविल जज का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया था और उन्हें अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया था, पर कुछ समय बाद मध्य प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने यह पाया कि एप्लीकेंट के अगेंस्ट सेक्शन 498A एंड 406 के अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए हैं उनकी वाइफ के द्वारा और सेम चार्जेस के ऊपर क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट पेंडिंग है और सब्सिक्वेंटली उनके अगेंस्ट रिजेक्शन ऑर्डर पास कर दिया। इसी के अगेंस्ट एप्लीकेंट सुप्रीम कोर्ट मूव करे और उन्होंने ये प्ली ली कि कुछ समय बाद उन्हें सेम केस के अंदर एक्विटल दे दिया गया था तो वो अब सिविल जज की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 के केस को रेफर करते हुए ये कहा कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो ये एम्प्लॉयर का अधिकार बन जाता है कि वो किसी पर्सन को अपॉइंट ना करे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया
कि अगर कोई भी पर्सन सब्सिक्वेंटली कुछ समय बाद एक्विट हो जाता है तो ये सिर्फ कोई ये कोई ग्राउंड नहीं है उस पर्सन को फिर से अपॉइंट करने के लिए, क्योंकि जिस समय सिलेक्शन प्रोसीजर चल रहा था तो उस समय वो पर्सन के अगेंस्ट क्रिमिनल केस पेंडिंग था और वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं थे। सो ये केस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सिविल जज का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और ये सब उन सब के लिए सीख है कि अगर आप सिविल जज का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ऐसे कोई भी एक्ट, ऐसे कोई भी काम से दूर रहें जो आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की ओर ले जा सकता है। सो गाइज, आपको इन वीडियोस में बताए गए जितने भी जजमेंट्स हैं उनमें से कोई भी जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग लगता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उसे खोल के उस केस के बैकग्राउंड को जान सकते हैं, उस केस की डिटेल स्टडी कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और हमारे लॉ क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबका इंतज़ार रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैप्पी एंड सेफ दशहरा।